हाय फ्रेंड्स, आई एम उज़ैर और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। यस फ्रेंड, मैं अपनी वीडियो के बारे में बताने से पहले आपको एक बात कहना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो को देखकर ये वाली बात कहना छोड़ देंगे कि फ्रेंड्स कि पाकिस्तान में यार जॉब हासिल करने के लिए हमें रिश्वत और सिफारिश की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, इस ऐप से आपको किसी भी किस्म की सिफारिश और या रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस ऐप से ये इस ऐप का नाम है rosy.pk। ये एक जॉब ऐप है, आप बहुत ही ज़्यादा इजी से जॉब हासिल कर सकते हैं इस ऐप से, और वो भी अपनी ही कंट्री और अपने ही सिटी में। इस ऐप से फ्रेंड्स आपके वन क्लिक से आपकी CV सबमिट हो जाएगी और जॉब प्रोवाइडर के पास पहुंच जाएगी। आपको हर जॉब पर हर दफ़ा फ्रेंड्स CV को अपलोड या सबमिट करने की भी ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड, जस्ट वन क्लिक पर आपकी CV सबमिट हो जाया करेगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और उस पर सिर्फ आपने एक अच्छी सी प्रोफाइल बनानी है और जस्ट आप वन क्लिक पर आपकी CV सबमिट हो जाएगी। चलें तो फ्रेंड मैं आपको अब प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। फ्रेंड, हम इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है, तो हम प्ले स्टोर में चलते हैं। हम यहाँ लिखेंगे rosy.pk। ये देखें फ्रेंड, ये एक रोज़ी जॉब सर्च, यानी rosy.pk आगे बढ़ो, रोज़ी जॉब सर्च एप्लीकेशन है। देखें जी, ये है 100,000 इसके इंस्टॉलर्स हैं और इस पर 4.2 की रेटिंग है, जो एक अच्छी रेटिंग है। इसके कमेंट्स दिए हुए लोगों ने और मैंने इसको पहले इंस्टॉल किया हो, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ये फ्रेंड इसका डिस्प्ले है, rosy.pk। आगे बढ़ो, एक्साइटिंग कैरियर अपॉर्चुनिटी अवेट यू, rosy.pk रिकमेंडेशन फॉर बेस्ट सूटेड फॉर यू, यानी ये जो आपके स्टडी के बिल्कुल परफेक्ट जो आपके सूटेड करती हैं वो जॉब आपके लिए यहाँ प्रोवाइड हैं। तो देखें, बिल्ड एंड शेयर अ पावरफुल प्रोफाइल इन जस्ट अ फ्यू स्टेप, यानी चंद ही स्टेप में आप अपनी प्रोफाइल को यानी अपनी CV को सबमिट कर देंगे और आप इंशाल्लाह जो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो इसको हमें साइन अप करना है, अगर आप न्यू यानी आप फर्स्ट टाइम इसको एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन को आप फेसबुक, गूगल और आप अपने जीमेल अकाउंट से भी साइन अप कर सकते हैं। यहाँ अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सेलेक्ट जेंडर, ईमेल आपका, और यहाँ पासवर्ड, और इधर आप फ़ोटो लगाना चाहें अभी या बाद में, इसे कोई नहीं, और यह इसे इधर लिख कर आई हैव अ रीड एंड एक्सेप्ट, और आप क्रिएट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, मैं अब आपको ये सारा लिख कर दिखाता। देखिए फ्रेंड, ये इसका डिस्प्ले है, तो इस अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप इसको साइन अप करेंगे, अगर आपका ऑलरेडी इसका अकाउंट है तो आप इसको साइन इन कर लेंगे। चलें मैं आपको साइन अप करके देता हूँ, ये नीचे साइन अप। फ्रेंड्स, हम इसे फेसबुक, गूगल और अपने मोबाइल नंबर से भी साइन अप कर सकते हैं। अदरवाइज और ये लिखा है डिटेल, हम अपना नाम दें इधर, ये नाम इधर, नंबर इधर, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, इधर आप अपना जेंडर मेल ही फीमेल, इधर अपना आप ईमेल, और इधर अपना पासवर्ड ईमेल का, और इधर से आप अपने फ़ोटो लगा सकते हैं प्रोफाइल पिक्चर, और आप इसको आप यानी इसकी पॉलिसीज को एक्सेप्ट कर क्रिएट कर देंगे, तो ये आपका अकाउंट हो जाए बन जाएगा। मेरा ऑलरेडी साइन इन है, मैं आपको उस पर अकाउंट पे लेके चलता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसको साइन अप करेंगे और आपके सामने ये आ जाएगा, डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, यस, अगर यस करेंगे तो आप अपना एक्सपीरियंस लिख देंगे, आप किस चीज़ में हैं, आप जिस चीज़ में आपने जॉब की थी आप उस चीज़ का एक्सपीरियंस लिख देंगे, आपकी करंट सैलरी क्या है इस वक्त आप वो लिख देंगे, आप एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी करते हैं, यानी आपकी करंट सैलरी एक अगर 20 से 25 हज़ार है तो अब आप कितनी चाहते हैं, तो आप यानी आप चाहते हैं मेरी कि 40 आपके 45 हो जाए, तो आप अपनी यानी एक्सपेक्टेड सैलरी यहाँ बता देंगे। अब अपना ये है सिलेक्ट कैरियर लेवल के आप मतलब कितना अर्सा हो गया है, आप एक प्रोफेशनल हैं या अभी आपका स्टार्ट है या अभी आप खाली इंट्री है,
तो ये है, आप अब या डिपार्टमेंट के हेड हैं किसी के, या आप जनरल मैनेजर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, कंट्री हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं, मतलब आप ये चीज़ें आपने लाजमी अच्छे तरीके से फिल करनी, क्योंकि इस इन ये आप कुछ जो भी चीज़ भी लिखेंगे, यानी आप कोई भी चीज़ फिल करेंगे, वो आपकी आगे जो जो प्रोवाइडर है उसके प्रोवाइडेड है उसके पास जाएगी। तो जितनी अच्छी सीवी होगी आपकी, एक बात याद रखें फ्रेंड्स, आपकी सीवी जितनी अच्छी होगी आपकी, आपको उतनी ज़्यादा जॉब में, यानी आपके जो जो सीवी होगी वो सबमिट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब आपकी मैची करेंगे आपके स्टडी और के लिहाज से। तो आपने सीवी को अच्छे से अच्छे बनाना है अपने। तो ये देखें, ये लिखा हुआ है सेकेंडरी लेवल, मैं कर लेता हूँ एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनल्स, और आपने इधर सिटी, ये लाहौर, ये देखें इधर से। आपने कभी भी खुद लिख के नहीं करनी, सिलेक्ट नहीं हो गया, आपने ये जो आएगी इसको सिलेक्ट करना है, हो गया। अब आपने स्किल्स, इधर आपके स्किल्स क्या हैं, आपके स्किल्स हैं जनाब, आप यानी कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, ओके। तो इसको आप यानी आपने दोबारा देख लेना, और आपने अपने ये लाजमी बताना कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप यानी लास्ट जिस जॉब में रहे हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप फ्रेश हैं उसमें, यानी अभी अभी आपने स्टार्ट किया है। सम टाइम ये होता है कि हम मैंने जॉब अभी स्टार्ट की है तो हमें वो पसंद नहीं आई तो हम लिख देंगे, या वैसे अभी आपने स्टार्ट किया तो हम फ्रेशर। अगर आपके 6 महीने या 6-8 महीने हुए हैं तो आप लेस देन 1 ईयर, और साल है 2 साल, 3 साल, या जितने भी साल हैं तो आप उसको कर देंगे। तो मैं इधर 2 ईयर्स पे करता हूँ। ये कंप्लीट करके आपने सारी चीज़ें, अपना एक्सपीरियंस तो आपने सेव कर लेना, और अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने नो पे कर देना। और आपने जस्ट इतना लिखना है कि आप किस चीज़ में आप जॉब चाहते हैं, जिस प्रोफेशनल में, और आपने अपनी सैलरी लिखनी कि आप पहले कितनी ले रहे थे, या अब आप, या इससे ये है कि अब यानी आप फ्रेशर हैं तो आप कितने से ले सकते हैं, यानी आप 20,000 या 25,000 से लेकर आप 45,000 तक सैलरी एक्सपेक्टेड करते हैं। फिर आपने एक्सपीरियंस लेवल लिखना है, अपने सीट लिखना है, और आपने सेव कर देना। लेकिन ये एक्सपीरियंस की वाला मैं इसको सेव करूँगा, लिखा प्लीज़ सेलेक्ट टोटल एक्सपीरियंस, हाँ जी ये 2 ईयर्स, और इसको मैं सेव कर दूँगा। ये मेरी जो है एक्सपीरियंस के लिहाज से मेरे लिए जॉब को फाइंड कर रहा है। लिखे हैं जी स्वीप राइट टू अप्लाई एंड विद नेक्स्ट मै जॉब, ओके, एंड स्वीप लेफ्ट टू स्किप एंड व्यू नेक्स्ट जॉब। ये देखिए फ्रेंड, इसका सबसे सिंपल एक मज़ेदार जो इसका फीचर है ना, वो बहुत ही इजी और सिंपल है। अगर आपको जॉब कोई पसंद आ रही है, आप चाहते हैं इसको मैं बाद में वो करना चाहता हूँ अप्लाई करने, तो आपको सेव करेंगे, आप देखते हैं नहीं ये मेरी, ये आपको पसंद नहीं आ रही तो आपको स्किप कर देंगे। और इसका सबसे अच्छी चीज़ है, यानी आपको बार बार सीवी अपलोड करने की ज़रूरत भी नहीं है, सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है बार बार। यानी ये होता है कि बार बार तंग आ जाता है इंसान के, बार बार सीवी सबमिट कर रहा है बार बार। सिंपल सी आपने जस्ट इस सीवी पे वो क्लिक करना है और आपकी वो जो आपकी सीवी सबमिट हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा है इसका, और बहुत ही ईजी इसका एक फीचर है। क्लिक टू रिपोर्ट मिस्ड, क्लिक हेयर टू रोजी प्रीमियम, ओके गॉट इट। देखिए हम इसको ओपन करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, लिखेगा 1 मिलियन सक्सेस स्टोरीज। हमने यहाँ डायरेक्ट भी, अगर आपने किसी भी चीज़ में, कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क में लाहौर में, या डायरेक्ट भी अगर आपने कुछ जॉब ढूंढनी है ऐसे भी आप, या किसी और सिटी में ढूंढना चाहते हो तो उधर भी आप ढूंढ सकते हो। फ्रेंड्स इसका सबसे, देखें सबसे अच्छी बात क्या है, देखें इसमें कितनी जॉब्स हैं, सॉफ्टवेयर, वेब डेवलपमेंट, सेल, बिजनेस, अकाउंट, फाइनेंस, क्लाइंट सर्विस, मार्केटिंग, और इसमें यानी एट कितनी ज़्यादा जॉब है, देखें कितनी ज़्यादा कैटेगरी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कैटेगरी हैं उसमें, कितनी कितनी जॉब हैं हर एक में, मतलब 20, 25, 50, 18, 826, 788, यानी कितनी ज़्यादा जॉब है। आप कोई भी डायरेक्ट डायरेक्ट किसी
इसके बारे में, यानी आप सिर्फ आप चाहते हैं मुझे सिर्फ सॉर्ट एंड वेब डेवलपमेंट इसके बारे में, सिर्फ अगर जस्ट इसके बारे में अगर आप जो सर्च करना चाहते हो सिर्फ ऐसे इसके बारे में हो जाएगा। आप अगर देखें कितने हर सिटी में, ये देखें जॉब बाय सिटी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मतलब पाकिस्तान के ऑल टुगेदर तमाम के तमाम सिटी में इसमें जॉब मैसर है। तो ये इस ऐप से ये वाली चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी कि नहीं यार कि सिर्फ बड़े ही सिटीज़ में जॉब अवेलेबल होती है। ये इस एप्लीकेशन से आपको कोई भी मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपने एक दफ़ा प्रोफाइल बनानी है और देन आपकी जॉब इंशाल्लाह आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपने जाना है इधर अपनी माई प्रोफाइल पे, इधर से ओपन कर लेना है फ्रेंड। ये देखें ये समरी, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है आपने प्रोजेक्ट इधर ऐड कर देना है, इधर आपने एक्सपीरियंस ऐड करना है, इधर आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है, इधर आपने अपने स्किल्स ऐड करने हैं, इधर आपने लैंग्वेज, आप इंग्लिश है आपकी, उर्दू है, आप पंजाबी है, या आप स्पेनिश है, किसी भी चीज़, कोई सी भी लैंग्वेज जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, इंटरम लेवल में हैं, स्टार्ट में हैं, तो आपने उसको इधर मेंशन कर देना। आप अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो उसका आपने नेम एंड URL इधर डाल देना है फ्रेंड। इससे आप इस एप्लीकेशन से आपको बहुत ही इजी से आपको आराम से जो मिल जाएगी। आप जब अच्छी सी आपकी प्रोफाइल बन जाएगी तो आपने सिर्फ लिखना है लेटेस्ट फीचर। अब ये देखें आप, ये है जी लॉरवल। आपने सिंपल सा फ्रेंड्स क्या करना है, अगर आपको ये पसंद है तो आपने इसको इधर कर लेना है, इस तरह ये आपकी फेवरेट्स में चली जाएगी। अगर आप चाहते हैं ये देखें इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आप जस्ट CV पे ये लिखें कंप्लीट प्रोफाइल का दे रहा मुझे, क्योंकि मेरी अभी फाइल कंप्लीट प्रोफाइल मैंने कंप्लीट नहीं की। ये देखें तो ये आराम से ये जिस जो भी जॉब होती है उसकी पूरी डिटेल लिखी होती है। देखिए यार ये रावलपिंडी शहर से है, एक्सपीरियंस उनको 2 ईयर से 4 ईयर वाले एक्सपीरियंस वाले बंदा चाहिए, और सॉफ्टवेयर एंड वेब डेवलपमेंट में PHP से अति हो लेवल अति हो इन हो। देखें फुल टाइम जॉब है मेल के लिए, इन्होंने जेंडर है, और ये तमाम जॉब डिस्क्रिप्शन दी हुई है। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपको स्किप करना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा इसके बारे में नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट जॉब आ गई। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही ईजी और एक अच्छी एप्लीकेशन है, इसके ज़रिए आपको बहुत ही आसानी से जॉब हासिल हो जाएगी। ये देखें ये मेरी प्रोफाइल है, ये देखें मैंने इसमें सारा अपना एक्सपीरियंस लेवल, अपना स्किल्स, मैंने अपनी जो मैं करंट जॉब करता हूँ, और मैंने अपनी एजुकेशन्स, मैंने अपनी इंग्लिश के बारे में मैंने यानी सारा कुछ यहाँ ऐड किया हुआ है। तो फ्रेंड अब मैं ये देखें जाता हूँ ये लेटेस्ट फीचर जॉब्स में। अब देखें मुझे चाहिए, इधर से मैं ढूंढता हूँ सेल्स में, ये मैं इधर अपनी यानी सिटी की ढूंढता हूँ डायरेक्ट। ये देखें ये TSRs, अब ये देखें इसको ये एक्सपीरियंस इनको चाहिए फ्रेश भी, और जिसका ये कम से कम 1 साल इंग्लिश में फ्लुएंटी हो। ये देखें उन्होंने टेली कम्युनिकेशन इनकी है, ये फुल टाइम परमानेंट थर्ड शिफ्ट नाइट की जॉब है, 20,000 से 35,000 तक मंथ सैलरी है। स्टडी में इन्होंने इंट्री लेवल तक एजुकेशन का कहा हुआ, कैरियर लेवल इंट्री लेवल हो, जेंडर नो प्रेफरेंस यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए है, एज 19 से 33 ईयर तक, ये तमाम इसकी डिस्क्रिप्शन। और अगर आप देखो इस CV को चाहते हो, अगर आप बाद में इसको सबमिट करना चाहो तो सेव पे, अदरवाइज आप इसको CV पे सबमिट कर दो। देखिए 1 क्लिक से योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, यानी मेरी एप्लीकेशन सबमिटेड हो गई। फ्रेंड्स और भी मैं देखते इसमें जाते हैं, ये देखें लाहौर है, एक्सपीरियंस फ्रेश है, मिनिमम एक्सपीरियंस, क्लाइंट सर्विस है, कस्टमर गुड, टीम प्लेयर। देखिए 15,000 से 25,000 तक सैलरी है, यानी इसमें इसका भी यानी आपको ज़्यादा हायर स्टडी करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास स्टडी यानी आप अच्छे
एजुकेशन आपके पास नहीं है, आपकी एमबीए या आप एमफिल या पीएचडी नहीं नहीं भी है, अगर आपने 10 पढ़ी हुई है, 12 पढ़ी हुई है, या यहाँ तक कि अगर आपको कोई भी रिश्तेदार या कोई भी अगर अनपढ़ भी है, अनएजुकेटेड भी है, तब भी वो यहाँ आराम से उसकी भी आराम से यहाँ जॉब उसके लिए भी अवेलेबल हो जाएगी। तो फ्रेंड ये बहुत ही एक अच्छी और एक बहुत ही ईजी तरीका है जॉब ढूंढने का। और फ्रेंड ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसमें बहुत ही अच्छा रहा है। मैंने जब अपनी जॉब लास्ट एक हासिल की थी वो भी इसी के थ्रू हासिल की थी। तो मतलब आपको विद इन 24 आवर्स, एक दिन दो दिन तीन दिन में आपको इसके बारे में यानी इंटरव्यू की कॉल आ जाती है। बाकी आप देखें इसके अंदर, आप इसको डाउनलोड करें और इसको लाजमी ट्राई करें। देखें माई जॉब्स में चले जाएं, आपने देखें जो अप्लाई की हुई है, ये मैंने ये जिसमें अप्लाई की हुई थी ये देखें जो सेव है, मैंने कोई भी सेव जॉब नहीं स्किप जो किया आपने, यानी आपकी तमाम डिटेल इधर आती रहती। इधर आप देखें भी मैचिंग अपनी जॉब मैचिंग कर सकते हैं स्टडी के लिहाज से। ठीक है फ्रेंड, तो ये वाली आप अप्लाई करें, ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई तो इस वजह से मैं अब आपको यहाँ तक बता सकता हूँ फ्रेंड। नहीं फ्रेंड ये एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, क्योंकि आज के दौर में जहाँ जॉब सिर्फ सिफारिश और रिश्वत वालों को मिलती है, लेकिन ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए आपको आसानी आपकी स्टडी और आपकी मेहनत और आपके स्किल पर आपको जॉब हासिल हो सकती है। चलें फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करें वीडियो को और शेयर लाजमी करें। और मुझे अगर आपको कोई भी चीज़ गलत लगी हो, आपको कोई चीज़ पसंद आई हो, तब भी मुझे कमेंट्स में बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।